यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पीछे पूरा भरा हुआ है, देखना पीछे सारा भरा हुआ है। मुझे ये एहसास हो गया है कि हमारे दक्षिणी हरियाणा का यूथ 36 बिरादरी का आज हमारे साथ है। मुझे बड़ा आशीर्वाद, तो हमारे साथ पहले से ही था, लेकिन यूथ का जोश और दम आज के दिन हमारे को देखने को स्टेज से मिल रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भगवान की दया है, फलक की आवाज है, लोगों की आवाज है, मुझे जन समर्थन बहुत मिला, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, इससे पहले कांग्रेस ने भी मंत्री बनाया, लेकिन अगर मैं नेता बना हूं तो ये सामने बैठी वाली जनता ने मेरे को नेता बनाया। आधा वक्त हो या सूट बिठाने वाला वक्त हो, इस प्रदेश के, मैं सिर्फ दक्षिणी हरियाणा की बात नहीं करता, इस प्रदेश के भाइयों बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों मेरे पे अपना प्यार निछावर किया है। और मैं आज आपके बीच कमर अजीज के तौर के ऊपर यू कहना चाहता हूं कि आज की इतनी भारी जनसभा हो गई कि इसकी चर्चाएं होने लगी। आप यहां उपस्थित नहीं थे, उससे पहले चर्चाएं होने लगी।
पार्टियों के अंदर, विभिन्न पार्टियों के अंदर चर्चाएं होने लगी, पत्रकारों में चर्चाएं होने लगी कि क्या इंद्रजीत सिंह आएगा, तो क्या मालूम क्या गुल खिलाएगा। चंडीगढ़ से लोगों ने पूछना शुरू किया, जिस पार्टी में हम पहले हुआ करते थे उनके यहां से खबर आई कि भाई क्या करने वाला है। और तो और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे भाई अभय सिंह चौटाला यूं सोचने लगे और इंडियन नेशनल लोक दल के अंदर आने वाला है, तो उन्होंने फटाफट बड़ा हौसले से बयान दे दिया कि हम दल बदलू इंद्रजीत सिंह को लोक दल के अंदर स्वीकार नहीं करेंगे। आज इस मंच से मैं जवाब देना चाहता हूं वो कि आपकी पार्टी में जाने के लिए एप्लीकेशन किसने लगाई थी। और जिन लोगों को याद हो, जब हम इंसाफ मंच का झंडा बुलंद करने लग रहे थे हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाकर के इंसाफ हरियाणा की जनता के वास्ते मांगने लग रहे थे, जब इनके पिताजी और बड़े भाई जेल के अंदर थे, उस टाइम इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कुरुक्षेत्र के अंदर कि हमारे साथ आ जाओ, हम और आप मिल जाएंगे तो ना कांग्रेस को सत्तासीन होने देंगे और ना भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन होने देंगे। और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रैली के अंदर आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को जो सजा दी गई है मैं समझता हूं कि दोष से कहीं ज्यादा अधिक है। और जब आपने मेरे को वहां बुला करके मेरे सर के ऊपर हरी पगड़ी बांधने की तो भाई आप रची तो याद करो आपकी पगड़ी लेने से मैंने इनकार कर दिया था। जब हम आपकी पगड़ी पहनने को तैयार नहीं तो आपकी पार्टी के अंदर कौन आएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ये शगुफा भी आपने छोड़ रखा है कि मेरे साथीगण लोक दल के साथीगण कहीं मेरे को छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ना पहर जाएं, कहीं मेरे साथीगण कांग्रेस पार्टी के अंदर ना पहर जाएं। इसलिए ये शगुफा छोड़ दो कि इंद्रजीत सिंह हमारे साथ आने वाला है, इसलिए अपने लोगों को टिकाए रखने की एक आपने कवायद शुरू कर। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडियन लोक दल से मैं टिकट नहीं मांग रहा, इंडियन लोक दल के अंदर जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और सपने में भी यह ना सोचो कि मैं आपके पास विनती करने के लिए आऊंगा कि आप लोक दल मेरे लिए ज्वाइन करवा। मैं आज भी आपको यह कहना चाहता हूं कि जहां ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे तक मेरी बात और आपकी रैली की बात पहुंची, साथ साथ ये बात हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर भी सरसराहट शुरू हो गई कि कहीं इंद्रजीत सिंह छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, चले जाएगा तो राम करेगी। हमारे बिना पूछे तो बीजेपी ने आ गया, ऊपर से मोदी ने ले लिया, हमारे से तो पूछा भी नहीं गया, सिर्फ हम पूछा गया तो रामविलास शर्मा से पूछा गया, बहनों ने कहा ले लो बढ़िया आदमी, हमको ले लिया गया। लेकिन कई लोग तो ऐसे थे दशकों से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, और कुछ तो ऐसे भी थे तो रात के अंधेरे के अंदर फैसले करने वाले थे और पार्टी को फैसला मानना पड़ता था, और उनको ये लगा कि भाई इंद्रजीत सिंह जिस दिन आया उसी दिन से शुरू कर दिया कि ये तो टाइम पास करने के लिए आया है, इसकी बेटी को तो टिकट ही नहीं दिया।
ये कितने दिन रुकेगा बीजेपी के अंदर? धर्मवीर के भाई को नहीं दिया, अनेक लोगों के परिजनों को हरियाणा के अंदर बीजेपी की टिकट नहीं मिली। तो भाई ये तो टाइम पास करने आए हैं, जब चाहेंगे तब छोड़ के चले जाएंगे। धक्काशाही हो रही है कि जो लोग आकर के बीजेपी को सत्तासीन किए उनको किनारे कर दो भाई, किनारे कर दो, उनको पार्टी की मीटिंग में मत बुलाओ, इनकी बात के ऊपर अमल मत करो। भाई हम तो धक्का खाने वाले हैं, कांग्रेस में धक्के खाए, बीजेपी भी अगर आप धक्के खाएंगे और हमारे को धक्का करके बाहर निकाल लोगे तो भाई होगा सो हमारे साथ सो होगा, देखी जाएगी। पहले भी अनुभव है हमारे को, लेकिन जिन लोगों के सूत आज बैठ गई है तुम्हारा क्या होगा कालिया? इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि ये जो चर्चाएं चली अखबार के अंदर, ये जो चर्चाएं चली लोगों के खुशबू तान भरने के अंदर, ये सारे के सारे उन लोगों ने करी जो चुगली की खाते हैं, जो चुगलखोर हैं। भाई इंद्रजीत सिंह से पूछना हो कि तू रहेगा नहीं, पूछ रहता तो दीदा रखो, पूछो सामने, जवाब सामने मिलेगा। ये खुसर खुसर करके मेरे को खराब क्या कर रहे हैं, मेरे इलाके को खराब कर रहे हैं, मेरे नाम पे जो जीत करके आए उनको खराब कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर जाने के लिए शायद और हो सकते हैं, आपने शायद ये एमएलए भी बना दिए, लेकिन इंद्रजीत सिंह ओम प्रकाश की सरकार को बनाने के लिए तैयार नहीं। मेरे को एक शेर याद आता है, बोल दूं? मुलाहिजा फरमाइए। वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं होता, हम आग ही भर लेते हैं तो हो जाते हैं बर्बाद। और आज मैं ये कह सकता हूं, अपने दिल के ऊपर हाथ तैर के कह सकता हूं कि एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी की साथ और दूसरी तरफ आप लोगों का सहयोग, इन दो हाथों से ताली बजी है। जब हरियाणा के अंदर सरकार आई है इन्हें कदम नहीं आई, कि ये तो कह दिया पर इंद्रजीत जी ने फिर ये इतनी भारी जनता बुलाई क्यों? भाई मैंने जनता नहीं बुलाई, बुलाई तो लोगों ने है, आगे नए नए जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं उन्होंने मेहनत करी, पसीना खून किया एक, और यहां पे इतनी भारी उपस्थिति रैली के तौर पे ऊपर हो गई। जब भी मैं देखता हूं कि नए लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, मेरे को महसूस होता है कि मशाल शायद हमारे को नई पीढ़ियों तक भी पहुंचा देनी चाहिए। हमारे जैसे ओम प्रकाश जैसे हम तो बुजुर्ग हो गए, कितने दिन लड़ाई लड़ेंगे? जवानों का टाइम आने लग रहा है। और भाई मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को भी हमारे इस क्षेत्र की मशाल सौंपनी जाए। किसी भी बिरादरी को, यो नहीं कहता कि मेरी बिरादरी की, अच्छे अच्छे नेता सब बिरादरी के अंदर है, अच्छे अच्छे लोग सब पार्टी के अंदर है, बुरे भी सब पार्टी के अंदर है, लेकिन हमारी बात कुछ और है, क्योंकि हमारा इतिहास कुछ और है। इतिहास का तो जिक्र तीसरे पहलू में करूंगा, मैं दूसरे पहलू में आता हूं। हरियाणा से दो मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, एक मैं, एक भाई किशनपाल गुज्जर। सभी को बताया गया कि भाई जाओ और जो केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई हैं उसके बारे में चर्चा करो लोगों से, क्या हमारी नीति नीचे तक फल ला रही है या बीच में कहीं अटक गई है, कहीं से सेक्रेटेरिएट में अटक गई है, सरकार के अंदर अटक गई है।
तो भाई असलियत तो मैं मीटिंग इस वास्ते वर्कर्स की बुलाई थी कि हमारे को नंद भाई मोदी का आदेश हुआ था कि पता करो कि वन रैंक वन पेंशन जो अनेक सरकार बोलती रहती थी कि हम करेंगे 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 और उंगली कटा करके शहीद हो जाते थे, 100 करोड़ दे करके 150 करोड़ दे करके कहते थे कि हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी। 150 करोड़ की पेंशन, वन रैंक वन पेंशन हो सकती है? मुझे पता है, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में था और पहले साल जब हमने वन रैंक वन पेंशन लागू करने की ऐलान किया 8,500 करोड़ रुपए पहले साल के अंदर खर्च हुए और आज 3 साल बीत गए हैं, आज ये गिनती 11,000 करोड़ रुपए तक सालाना बढ़ गई है। इसके बारे में मैं जानने आया था कि उज्ज्वला योजना भारत सरकार की वो योजना जो गरीबों को, महिलाओं को धुओं से मुक्त, चूल्हे से अलग करने के लिए जो चलाई गई है, क्या उसका फायदा आप तक, हमारी गरीब महिलाओं तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? 4 करोड़ कनेक्शन उन गरीब महिलाओं को दिए गए हैं जो पहले धुएं के अंदर अपनी आंखें खुलवा लेती थी, और उसके अंदर सहयोग उन लोगों का भी है जिनके पास कनेक्शन थे लेकिन छोड़ दिए, ताकि महिलाओं को गांव के अंदर ईंधन टांकने की बजाय चूल्हे के ऊपर रोटी पकाने का मौका लगे। मैं जानना चाहता था कि सड़क नेशनल हाईवे बनी कि नहीं बनी। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनसे पूछा गया कि अमेरिका ग्रेट क्यों है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ग्रेट इसलिए नहीं है कि अमेरिका के अंदर बढ़िया सड़क है, बल्कि अमेरिका ग्रेट इसलिए है कि सड़क मौजूद थी या सरकार बाद में बनी है, सड़कों ने अमेरिका को बनाया। तो आज हमारी सड़कों का विषय भारत सरकार की तरफ से हुआ है, इतनी ज़्यादा सड़कें मैंने समाज 25-30 साल की राजनीति में नहीं देखी होंगी, जो नेशनल हाईवे 3 साल के अंदर मैंने खुद देखे हैं और आपने भी अनुभव किए होंगे। ये आपका हाईवे भी मंजूर हो गया है। मैं बेटी बचाओ का चर्चा करना चाहता था कि भाई गर्भ में तो बेटी को बचा लिया हरियाणा सरकार ने, लेकिन दुष्कर्म से क्या बचा पाए हैं या इसके ऊपर और कुछ काम करना भी बताया है? मैं जानना चाहता था GST का क्या असर आप लोगों के हुआ, खास तौर के ऊपर उन लोगों को ऊपर जो बिजनेस करके अपना पेट पाला करते हैं। अभी भाई धर्मवीर ने जिक्र किया कि फार्मर्स की डबलिंग इनकम की स्कीम का क्या आपके ऊपर असर है, उसके बारे में उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। स्वच्छ भारत का क्या आपके दिमाग में है और फसल बीमा योजना आदि आदि का क्या आपके दिमाग में है? अब वर्कर्स की मीटिंग होती तो उसके अंदर तो मैं सीधे कह देता कि भाई तुम बता दो, आमने सामने बात हो जाती, लेकिन क्योंकि इतनी भारी जनसभा हो गई है, मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने सुझाव इन विषयों के ऊपर mpgurgaon@gmail.com के ऊपर भेजने का कष्ट करें, ताकि आपकी बात मैं अपनी सरकार को और अपने प्रधानमंत्री को जाकर के बता सकूं। और साथ साथ ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार की कार्यशैली कैसी रही है। MP होने के नाते हरियाणा सरकार में रामविलास जी हमारी थोड़ी कम सुनी जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा उलाने के तौर के ऊपर, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सभी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे MP होते हैं, उनको भी बराबर के तौर के ऊपर मान सम्मान मिलना चाहिए। ये आपको, तो ये मेरा संदेश CM साहब को भी दे दें कि भाई MPs की बराबर के तौर पर सुनी होनी चाहिए।
और जब हम चुने हुए नुमाइंदे की बात करते हैं, यहां पर कई बैठे हुए हैं जो भूतपूर्व सरपंच है, कई बैठे जिला परिषद के सदस्य थे, चेयरमैन थे, कई बैठी हैं जो महिला सरपंच थी, पंच थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स थे। एक बार कोई सरपंच बन जाता है तो सारी जिंदगी उसको गांव वाले सरपंच साहब कहते हैं, लेकिन अगर 10 साल के बाद अगर तहसीलदार के दफ्तर के अंदर वही सरपंच चला जाए या जिला परिषद का सदस्य चला जाए तो तहसीलदार पूछा कौन है बे, कैसे घुसा है अंदर, और भाई अगर वो जाट है तो वहीं दमादम बोल देती है, और जाट नहीं हो तो दुम दबा करके वापस आ जाता है, उसको इज्जत नहीं मिलती। मेरा ये कहना है, कुछ साथियों ने सुझाव भी दिया है कि तुम एमपी को पेंशन दे सकते हो, हम एमएलए को पेंशन दे सकते हैं, सरपंच भी लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि है, क्या सरपंच को भी हम पेंशन नहीं दे सकते कि जाके वो कार्ड ला करके तहसीलदार के सामने यूं दिखा दे कि भी मैं भी इस गांव का फलाने का उस संघ के अंदर चुना हुआ सरपंच था और सरकार मेरे को पेंशन दे रही है, चाहे दे 100 रुपए, चाहे दे 500 रुपए, लेकिन दे तो सही, कम से कम उसका मान सम्मान उसकी जिंदगी के अंदर बरकरार तो रहे, जिल्लत तो नहीं सहनी पड़े सरकारी दफ्तर के अंदर जाकर के। तो भाई एक तो ये सुझाव मेरा है, इसके बारे में भी टिप्पणी आप लोग करो। और हरियाणा सरकार से मैं ये भी आज के दिन हरियाणा का बाशिंदा होने के नाते मांगता हूं कि राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर 73वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू है, 74वीं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू है, इसके जरिए चुने हुए नुमाइंदों को ज्यादा अख्तियार पार्लियामेंट ने पास करके पारित करके सर स्टेट्स के जुम्मे लगाया कि तुम भी करो, लेकिन हरियाणा में नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो आज से कई सालों पहले लगी थी वो हरियाणा के अंदर भी लागू हो। काहे को सारा बोझ सरकार का और सारे प्रदेश का हरियाणा सरकार को ही ढोना पड़े, उसके मंत्रियों को ढोना पड़े, क्यों नहीं ये बांट करके दिया जाए? जब हम प्रजातंत्र के अंदर हैं तो क्यों नहीं ये बांट करके दिया जाए कि सरपंच भी अपना बोझ ओटेगा, जिला परिषद का चेयरमैन भी ओटेगा, म्यूनिसिपल कमीशन म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन भी ओटेगा। भाई सुझाव मेरा है और कोशिश करेंगे कि इसको सिरे चढ़ाएं, अकेले जैसे कहते हैं ना, थके पराक्रम सिंह के मिर्गा चर चर जाए। तो भाई हमारे तो पराक्रम थकने लग रहे हैं, लेकिन नए नए सिंहों के ऊपर ये अख्तियार दे करके हम हरियाणा के अंदर एक बार तब्दीली लाना चाहते हैं। तीसरा पहलू, ज्यादा बोलते नहीं क्या भाई, ज्यादा बोल कहते हैं चुपचाप हो जाओ। मैं तीसरा पहलू जल्दी संक्षिप्त में कर देता हूं। हमारा और आपका इतिहास एक है और आज से नहीं, 1857 से एक है। आज समय आ गया है कि हमारे को दोबारा से संगठित रहने की आवश्यकता पड़ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे खूनों के अंदर जो रंग है खून का, हमारे नसों में जो खून का रंग है, क्या वो फीका तो नहीं पड़ गया? क्या गाढ़ा है या पतला हो गया? क्या जो संघर्ष आज से 150 बरस पहले हमारे पूर्वजों ने किए थे, 36 बिरादरी ने मिलकर के, क्या वही संघर्ष आज के दिन नई पीढ़ी वाले करने के लिए तैयार हैं? उस टाइम हमारे को कामयाबी नहीं मिली, आजादी के बाद हमारे को कामयाबी नहीं मिली, और भी झगड़ा बंसीलाल से भी हो गया,
और भजन लाल से भी हो गया और कुछ लोग खैर मनाए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने ईमान के ऊपर अपनी सारी जिंदगी व्यतीत करी है। हम अपनी जान और आवश्यकताएं हथेली के ऊपर रख करके उसकी चर्चा नहीं करते, पीछे निकल लेते हैं और सरकारें चुन देते हैं जो हमारी बात नहीं सुनती। भाई एक बार नहीं हुई, दूसरी बार नहीं हुई, लेकिन अभी तो हमारी नफरी बढ़ी है, पॉलिटिकल शक्ति बढ़ी है। पहले तो एक हलका हुआ करता था गुड़गांव महेंद्रगढ़, अब प्रभावित आप कर सकते हो भिवानी को भी और महेंद्रगढ़ को भी, आप प्रभावित कर सकते हो गुड़गांव को और मेवात को भी और फरीदाबाद को भी, आप प्रभावित कर सकते हो कि लोकसभा का कौन जीत करके आए रोहतक से। कोई गलत तो नहीं कह रहा, और लोग मुझे बुराई हुई मानते हैं कि मैं सच बोल देता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई भूत काल गुजर चुका, वर्तमान के अंदर आज हम सांस ले रहे हैं और अभी तक हमारे रगों के अंदर खून उसी तौर के ऊपर खौल रहा है। हम निशाना भविष्य पे साधें और आने वाले समय के अंदर अगर खैर रही तो आपके बीच के अंदर फिर आऊंगा, आपकी बातों की चर्चा फिर करूंगा, आप लोगों से सहयोग मांगूंगा और इस क्षेत्र को दोबारा से इसका जो महत्व है दोबारा से उठाने के लिए प्रयास करूंगा। धन्यवाद और जय हिंद।